एक खबर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वो खबर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने 200 टन सोना विदेश भेजा है। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया कि भारत का 260 टन सोना गिरवी रखा गया है। इस वायरल पेपर कटिंग में कहा गया कि मोदी सरकार ने ये पूरी बात गुप्त रखी। वायरल हो रहे अखबार की कटिंग में केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक हमला किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया कि आखिर सरकार ने चोरी चुपके इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। चारों तरफ यही सवाल था, तो इन सवालों के जवाब आइए हम आपको दिखाते हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि 200 टन सोना विदेश भेजने और 268 टन सोना गिरवी रखने का दावा फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट में लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। इस पूरे मामले को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने भारतीय रिजर्व बैंक की एक प्रेस रिलीज का लिंक भी शेयर किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी गोल्ड रिजर्व के सुरक्षित कस्टडी के लिए उन्हें विदेशों में रखते हैं। आरबीआई के इस प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया है कि साल 2014 में या उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत से कोई सोना दूसरे देशों में शिफ्ट नहीं किया। तो इस तरह के फेक खबरों के मामले आए दिन आते रहते हैं, इसलिए जब तक खबरों को वेरीफाई ना कर लें, खुद डबल श्योर ना हो जाएं, तब तक ऐसी खबरों पे बिल्कुल यकीन ना करें और ना ही शेयर करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने में लोगों की उंगलियां काफी तेज चलती हैं।